ऐसी कोई बात है जिसमें थोड़ा प्यार जगाना है, इससे इसमें उर्मिला से बेहतर तो और कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता दो लोगों को मिलाने में। शी इज़ द बॉर्न क्यूपिड, तो प्यार का मसीहा बनके उर्मिला निकली है। उसने एक बहुत ज़ोरदार प्लान बनाया है, वो प्लान मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती क्योंकि सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट प्लान है, अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन यू विल सून कम टू नो। लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि उर्मिला का प्लान कौन सा मोड लेता है और उसमें उर्मिला के साथ क्या होता है वो बहुत ही हिलेरियस है। जब हम लोग ने ये स्टोरी आई, नरेशन आया और हम लोग ने सुना, तो हम लोग हंस हंस के पागल हो गए। आज भी हम लोग सीन्स कर रहे हैं ना इसके रिलेटेड, तो हम लोग अंदर अंदर इतना हंस रहे हैं कि हमको बार बार रिटेक्स करने पड़ रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी हिलेरियस। प्लान तो नहीं बता सकती, लेकिन जैसे ही प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि सब कुछ वैसे ही जाए जैसे उर्मिला सोच रहे हैं, और वो सोचती भी बड़ा बड़ा है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो भी जाता है। सो इट्स गोइंग टू बी फन। उर्मिला की लाइफ में कुछ एक बड़ा टर्न आने वाला है। गायत्री और अभिषेक बेचारे, उन लोग को मिलना एक बाजू और उर्मिला की मुसीबत अलग, ऐसा कुछ हो रहा है। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बोल दूँगी क्या प्लान है, मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों को और आप लोगों को, सारे लोगों को एक हो जाए, ऐसा हम कुछ कर सके, वी विल होप। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जिनसे सारे के सारे दर्शकों को, जिनको लेट पसंद है और जिनको अर्ली पसंद है, उन सबको सूटेबल कुछ हो सके। लेकिन तब तक प्लीज़ आपकी ये फेवरेट सीरियल देखना बंद मत कीजिए, हम आपको मिस करते हैं अगर आप हमें देखते नहीं हैं, और आई एम श्योर आप भी हमें मिस करते हैं जिस दिन हम मिलते नहीं हैं। सो प्लीज़ 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 थोड़ा सा एडजस्ट करके शो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और पड़ाव आने वाले हैं, और हंसी तो लोट पोट होने वाली है, लोट पोट हंसी, मुस्कुराहट नहीं, हंसी आने वाली है आपको बहुत सारी। तो रात को अगर कॉमेडी चाहिए इसके सोना है, तो प्लीज़ प्लीज़ वॉच पाकरवाड़ी 10:30 सब टीवी पर। थैंक यू।